चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन अपने मुल्क और अपनी कौम की खातिर आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करता रहूंगा। अडियाला जेल से इमरान खान का रुला देने वाला बयान सामने आ गया। नासरीन, आप जानते हैं कल अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की अहम समात हुई। इमरान खान ने अडियाला जेल से बड़ा पैगाम जारी कर दिया। नासरीन, इमरान खान ने अपने इस बयान में कहा कि इन्होंने मुझे गैर कानूनी तौर पर जेल में डाला है। मेरे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हर आसाइश मौजूद थी। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नेमत से नवाजा। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकता था, लेकिन जब मैंने अपनी कौम और अपने मुल्क के हालात को देखा तो मैंने सियासत में आने का फैसला किया और अपनी कौम और मुल्क की आज़ादी का सोचा। मैंने अपनी मुल्क और अपनी कौम की खातिर अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया। नासरीन, इमरान खान ने कहा कि मुझे साइफर केस में गैर कानूनी तौर पर इन्होंने जेल में रखा है। अपने मुल्क और अपनी कौम की आज़ादी की सज़ा मुझे इस तरह से दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मुल्क और अपनी कौम की खातिर दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकूंगा। चाहे मुझे पूरी उम्र जेल में रहना पड़े, लेकिन मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा। नासिर इमरान खान के इस बयान के बाद इस कौम के दिलों में इमरान खान के लिए इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है।